ये कहानी है एक नेडर और साहसी लड़की कंचन की, जो कमजोर लड़कियों को आत्मरक्षा करना सिखाती है। दुनिया की नजर में बेबाक कंचन दरअसल अपने अंदर एक सदमा छिपाए है। कंचन के ताऊजी बलदेव तोमर की बेटी शीतल के रोके पर लड़के वाले गलतफहमी से कंचन को मथुरा के राजघराने की होने वाली छोटी बहू मान लेते हैं। वहीं मथुरा के राजघराने का चश्मोचिराग विशेष मथुरा से कोसों दूर अपनी पढ़ाई कर रहा है। औरतों की इज्जत करने वाला विशेष अपने जिगरी यार जग्गी को आत्महत्या करने से रोकता है, और हमें पता चलता है कि जग्गी की प्रेमिका दरअसल कंचन की बहन शीतल ही है। जग्गी की पैरवी करने के लिए विशेष जब शीतल को फोन करता है तो गलती से कंचन उठा लेती है। फोन और गलतफहमी का ये क्रॉस कनेक्शन किस्मत का सही कनेक्शन कैसे बनता है, जानने के लिए देखिए आगे। अरे कंचन बिटिया, कहाँ रह गई थी भाई? सॉरी अंकल जी, वो मेरे होने वाले ससुराल से मुझे फोन आया था। बड़ी रानी ना शीतल दी के बारे में पूछ रही थी कि उनका रोका ठीक से हुआ या नहीं। भाई बोल दो, सब बढ़िया से निपट गया, लेकिन तुमने न्योता दिया कि नहीं दिया? भाई उन सबको आना पड़ेगा शादी में, हैं? अरे संधी जी, मिठाई खाओ भाई, रिश्ता पक्का। आपके मैनेजर से मेरी बात हो गई है? हाँ, आपके लड़के को बता दिया है खाने के बारे में। हाँ जी हाँ जी, और वेन्यू का पूरा डेकोरेशन करना है जी। कल पापा आके ना आपको चेक दे देंगे, ठीक है? ओके। किरू, किरू फोन देना, मुझे काम है। मैंने 2 घंटे पहले इतनी ब्यूटीफुल सी फोटो अपलोड की, आपने देखी नहीं, इसलिए मैं आपके फोन से ना खुद को मैसेज कर रही हूँ। वाओ अ ब्यूटीफुल स्टनिंग। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? बेटा क्या हुआ? हुआ क्या? मेरा अरे बेटा दे, अरे सुनो, अरे 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 लाली, इस तरह से बच्चों की तरह भागना बंद कर। राज घराने में रिश्ता हुआ है तेरा, हाँ अब उनकी तरह चाल चलन सीख ले। बधाई हो आपको, आपने तो हमें बताया ही नहीं, आज सवेरे ही पता लगो है, इसे बधाई देने चले आए। सी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अभी तो शीतल के ब्याह की तैयारियां चल रही हैं, आप भी कीजिए तैयारियां शुरू आने की। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। अरे लाली, तुम अच्छे से तैयार होना सीख ले, अब तो बात दूसरी है, ठीक है ना? अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। काकी चले। नमस्ते। ये बड़े बूढ़े सही कह के गए, छूट के पाँव नहीं होते, ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आई जाती है। मैं कल ही इस बात को लेकर परेशान था, तो देख आज। पापा चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है कि कल अगर शीतल दी के ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? बलदेव भाई साहब को भी तो सोचना है, फिर बनती बात बिगड़ ना जाए। अब कल जो हुआ उसमें हमारा कोई हाथ थोड़ी था, और ना हमने कुछ किया, लेकिन अब हमारे हाथ में है कि शीतल की बात बने या बिगड़े। इतने बड़े धोखे के साथ तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। आप तो जानते हैं ना पापा, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। पता नहीं कल चंदर अंकल को ये गलत फहमी कैसे हो गई। मैं भी वही सोच रहा हूँ,
पर बेटा पता है कभी कभी ईश्वर रास्ता बना देते हैं। अब देखना तू कैसे अचानक रोके वाले दिन ही राजघराने चली गई और वो ड्राइवर तुझे छोड़ने आ गया और ये सब हो गया। भाई मुझे तो मुरली वाले पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा उसकी लीला पर। अब जो होता ना होने दे। शीतल की शादी के बाद मैं और बड़े भाई साहब उसके ससुराल जाकर सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे, वो हो सके तो माफी भी मांग लेंगे। और इस सब में मुझे मुझे एक बात की चिंता है कि कहीं तेरे रिश्ते में ये झूठ पादा ना बन जाए। अच्छा है ना पापा, फिर तो मेरी शादी का किस्सा ही खत्म। छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। मुझे चिंता हो रही है कि राजघराने में कहीं ये झूठ पहुंच ना जाए। ओफो पापा, पहले ताऊ जी की टेंशन, फिर शीतल दीदी की टेंशन, और फिर मेरे मेरे रिश्ते की टेंशन, और अब तो आप राजघराने की भी टेंशन लेने लग गए हो। ओफो पापा, इट्स ओके। पापा उनको ये बात कैसे पता चलेगी, हम कहां वो कहां। ओ यारा, शीतल की तो शादी हो रही है, ये खुशखबरी सुनाने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा था। मैं शीतल की शादी नहीं होने दूंगा, मैं भगा के ले आऊंगा उसको। ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वहीं रुक, कहीं नहीं जाएगा तू। प्यार किया है ना तूने, अरे तो परवाह करना सीख। भगा कर ले जाएगा तो बदनामी हो जाएगी उसकी भी और उसके परिवार की भी। अरे भगाना कायरों का काम है यार। जो तेरे इतने चौड़े कंधे है ना, उसके नीचे का जो जिगर है उसमें कितना दम है ये दिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन यारा मैं... देख, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तू बैठ मेरे से। देख, हमें एक कोशिश करनी होगी, एक कोशिश, ताकि जिंदगी में कभी अफसोस ना रहे कि हमने कुछ किया नहीं। एक कोशिश? अबे नहीं मानेंगे उसके पापा। तुझे क्या लगता है शीतल ने कोशिश नहीं की? लेकिन जो उसका बाप है ना, वो DDLJ का अनुपम खेर नहीं है, अमरीश पुरी है। मैं यहां पर अकेला रह जाऊंगा और कोई और उसे दुल्हनिया बना के ले जाएगा। परफेक्ट, चल शीतल की शादी में जाना है। क्या क्या करूंगा वहां पे जाके? देवदास के शाहरुख की तरह उसकी डोली को कंधा दूंगा। क्यों, तूने देवदास ही देखी है? अबे DDLJ नहीं देखी? अरे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, समझा? चल। तुझे ये तो पता ना शीतल की शादी कहां हो रही? अब तक तो वो लोग शीतल की शादी के लिए राधाकुट पहुंच भी गए होंगे। चल। अच्छी सजावट की है ना पापा ने? जल्दी चलो ना, आओ। छोरी
तुमसे कोई ऐसे चौंकता है? अरे छोरियों को तो फूल बहुत भाते हैं, ये कैसी छोरी है? इसे फूल पसंद नहीं है? वो क्या है कि एक बार इसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कभी कभी इसको शॉक लगता है, चौंक सी जाती है। लल्ली बेटा आ जा, चल। हाँ भैया। अरे अभी तक यहाँ की सजावट खत्म नहीं हुई है, अभी तो गैलरी की सजावट बाकी है। और सुनो, कुंवर विशेष के कमरे का हर कोना फूलों की खुशबू से भर जाना चाहिए। राजमाता ने खास तौर से कहा है। कुंवर विशेष कई साल बाद आ रहे हैं ना? पूरे 8 साल बाद में देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं, समरेंद्र सिंह हमारे पुराने जानने वाले, उन्होंने अपनी बेटी की बात चलाई थी विशेष से, बात नहीं बनी, हम लोगों ने ना कर दिया। सजावट पसंद आई आपको? आपने करवाई है, जाहिर सी बात है अच्छी होगी। मनोहर जी। जी राजमाता। भाभी जी, सजावट कैसी लगी आपको? उम्मीद है कि विशेष को भी पसंद आए। अब उनकी पसंद ना पसंद तो हमें पता ही नहीं, 10 साल के तो थे जब स्कूलिंग करने चले गए और फिर वहीं से लॉ पढ़ने। आप तो फिर भी उनसे साल में 2 बार मिल लेती, पर उनको तो आए जैसे अरसा बीत गया है। आपने जिनसे फूल लाने के लिए कहा था, आपने उन्हें बताया था कि पंजी के यहां से फूल लेकर आए? और फूल वहीं से आए हैं? पंच साहब से मेरी बात करवाइए, फोन लगाइए उन्हें। फोन लगाइए। मंदार जी, अपना हिसाब कर लीजिए, आज के बाद आप यहां काम नहीं करेंगे। भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये हमारे साथ 10 साल से काम कर रहे हैं, इस तरह से 10 साल आपके साथ काम करने के बावजूद अगर कोई आपको झूठ बोले तो वो यहाँ काम करने के लायक नहीं होता। ये फूल पंच साहब के यहाँ से नहीं आए, मंदार जी इसे कहीं और से लेकर आए, वो भी सस्ते में, और इनके पैसे भी उसमें जुड़े हुए हैं। राजमाता जी, बात ऐसी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। पंच साहब अच्छी तरह से जानते हैं हमें पलाश के फूल पसंद हैं, वो हमेशा वही भेजते हैं, और यहाँ कहीं भी पलाश के फूल नहीं लगे हुए। बात फूल या किसी खास दुकान की नहीं है, बात झूठ बोलने की है। भाभी जी, ये हमारे बहुत ही पुराने और वफादार एम्प्लॉय हैं।
वफादारी का मतलब बहुत कम लोग समझते हैं छोटी रानी। मनोहर जी। जी राजमाता। विशेष का कोई फोन आया? जी नहीं राजमाता, मैंने बहुत बार मिला लेकिन लगता है कुंवर साहब सफर में व्यस्त है। दो मिनट बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। प्रणाम माँ। खुश रहिए। कहाँ हैं आप और यहाँ कब आ रहे हैं? नहीं माँ, I'm sorry, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, एक जरूरी काम आ गया इसीलिए जाना पड़ेगा। अच्छा, माँ से भी बहुत जरूरी काम है? नहीं माँ, माँ से बढ़कर तो ईश्वर भी नहीं होते। वो किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है माँ। क्या कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आकर आपको सारी कहानी बताता हूँ। ठीक है, तब तो आप वो जान बचाकर यहाँ वापस लौटिएगा। जब इतना इंतजार कर लिया है तो दो दिन और ही सही, पर अपना ध्यान रखिएगा। जी प्रणाम माँ। मनोहर जी। जी राजमाता। अभी कुछ देर पहले तू ही बोल रहा था ना कि भागना भगाना ठीक नहीं है। एक मिनट ना। हेलो, हाँ जी, शर्मा केटरिंग। अच्छा, तो आपने उन्हें सब कुछ बता दिया ना? परफेक्ट, थैंक यू। ओ यारा, कुछ तो बता, क्या चल रहा है? ये सही है, मतलब मैं कहाँ पे और कैसे शहीद होने वाला हूँ ये मुझे भी नहीं पता। वंडरफुल। अच्छा अच्छा, रो मत, मैं सब कुछ बता दूँ। देख, हम लोग शीतल की शादी में जा रहे हैं। हमारा जो कुक है ना, उसके जानने वालों के जानने वाले, वो वहां पर केटरिंग का काम कर रहे हैं। उनका नाम है शर्मा केटरिंग, और हम लोग शर्मा केटरिंग वालों की तरफ से जाएंगे, ना कि राजकुमार विशेष या शीतल का लवर जग्गी बनकर। वहां पर एक नई पहचान के साथ जाकर शीतल से बात करेंगे, और शीतल से बात करके उसे भगा कर नहीं बल्कि उसके माँ बाप के आशीर्वाद के साथ अपने साथ लेकर आएंगे। यारा तू मजाक कर रहा है ना? यारा ये सब कुछ ना सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरी लव स्टोरी कोई फिल्म नहीं है। मैं जानता हूँ जग्गी, लेकिन मैंने तुझसे कहा था ना कि एक कोशिश तो बनती है। किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो करेगा ना कोशिश? ये बात। अरे शेर, तीतू कभी तो काम कर लिया कर, पकड़। कानपुर वाली आंटी कब से आ चुकी है? जा चाय नाश्ता पूछ। तू इधर आ। कंचन, मैंने सुना है राजघराने के राजकुमार विशेष से तेरी शादी होने वाली है। छुपी रुस्तम निकली यार तू तो। अच्छा वो सब छोड़, ये पता कि राजकुमार दिखते कैसे हैं? हाँ बता ना, कैसे दिखते हैं? अरे चुप क्यों खड़ी है, बोलना। बताना यार। ए, अभी अभी मैंने भी सुनी, बड़ी छुपी रिश्ता निकली हाँ तुम तो। अरे भाई वाह, सबको पता है, एक हम दोस्तों को ही नहीं पता। वो मैं तसल्ली से बताती हूँ ना। नहीं अभी बताना, कंचन बताना अपनी लव स्टोरी के बारे में। वो बहुत अच्छे हैं, और उनकी मूछें ना बड़ी बड़ी है, वो तलवार कट टाइप्स। अब वो ना, पापा ने मुझे कुछ काम बोला था तो मैं वो करके। अरे सुन कंचन, अरे बता के तो जा, बता कर जा। ओ यारा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं बोलता हूँ वापस चलते हैं। चल। अबे कहाँ वापस जा रहा है? जग्गी, हम लड़की विदा कराने नहीं, उसे ले जाने के लिए आए, समझा? तो अपनी शक्ल ठीक कर। अरे मुस्कुरा ले जरा,
चल तेरी दुल्हन को लेकर आते हैं। चला जा। लेकिन यारा मेरी बात तो अच्छी बात है लाइट चली गई तो भगवान भी यही चाहता। पापा पता था दिन की शेरनी अंधेरे में बकरी बन गई होगी अब तक, इसलिए लेकर आ गए आपका ये चिराग जन। लीजिए पकड़िए सब और अब प्लीज डरना मत, ठीक है? देख अंधेरे का फायदा उठाते हैं और हलवाइयों में घुल मिल जाते। चल आजा आजा आजा। अरे कहाँ हो शीतल? सॉरी आया था मांग बेटी के भरने पर भरती प्यो थी। रब्बा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना कमाल का है। मेहमान आ गए और लाइट चली गई, ये जनरेटर वाला भी ना। अरे अरे संभालिए। हेलो हेलो, आपका जहाज जमीन पर लैंड हो गया है। अब होश में आइए। हाँ कौन हो तुम? राधे राधे दीदी, राधे राधे। हम दोनों शर्मा कैटरिंग वालों की तरफ से मेरा नाम जग्गी है। और ये कौन है? जी मेरा नाम पप्पी। पप्पी पप्पी हाँ पप्पी पप्पी। अच्छा तो तुम लोग केटरिंग वाले हो? जी मैं बावर्ची और ये मेरा असिस्टेंट है। तो फिर आने में इतनी देर कैसे कर दी? पता है सारे मेहमान आ चुके हैं, अब जाओ किचन में जाके काम करो। जाओ जी। एक मिनट, तुम दोनों बावर्ची हो ना? हाँ बावर्ची। क्यों? अगर तुम दोनों बावर्ची हो तो फिर वो लोग कौन है? कौन लोग? वही जो दोपहर से खाना बना रहे हैं यहाँ पर।